तो एक तरफ कोरोना कहर ढा रहा है और दूसरी तरफ मौसम। हरियाणा की बात करें, कई जिलों में अभी भी मौसम खराब बना हुआ है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कल भी हरियाणा के कई जिलों में तेज बरसात हुई। फरीदाबाद, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा में बारिश हुई। फरीदाबाद में कई जगह पेड़ भी गिर गए और पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दब गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कुलदीप, अब जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की चेतावनी सामने आती है तो चिंता भरी बात इसलिए भी यहां पर बढ़ जाती है क्योंकि ये उन्हीं जगहों पर चेतावनी है जहां पर पहले ही फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में फिलहाल मौजूदा स्थिति सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, पश्चिमी विक्षोभ की तरफ की जो ये प्रभाव है उसकी वजह से लगातार जो है बारिश हो रही है और जो मौसम विभाग की तरफ से जो है लगभग 19 जिलों में जो है ये वार्निंग जारी की गई थी कि बारिश होगी और किसानों को जो कहीं ना कहीं फसलों को बचाने के लिए तमाम जो है उपाय करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई थी। लगातार जो है पहले ही 29 मार्च को ये वार्निंग कृषि विज्ञान केंद्र हिसार की तरफ से जारी कर दी गई थी और ये कहा जा रहा था कि किसान जो है फसल में लगातार सिंचाई ना करें जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं तेज़ हवाएं चलेंगी वो कहीं ना कहीं फसल में नुकसान कर सकती हैं और 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना किसानों को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि सरसों की फसल लगभग किसानों ने कटाई कर ली है लेकिन अगर उसमें बारिश होती है, वो ज़मीन पर है, सूखने के लिए उसे रखा है तो कहीं ना कहीं वो बीज अंकुरित हो सकते हैं, उससे किसानों की जो पैदावार है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा जो गेहूं की फसल है वो करीब करीब पकने को तैयार है और ऐसे में जब अगर बारिश होती है तो पूरी फसल गिरने की वजह से जो है ज़मीन पर फैल जाती है और ज़मीन पर जो पानी बारिश का होता है उसकी वजह से जो गेहूँ है वो गल जाती हैं। कहीं ना कहीं किसानों के लिए बारिश जो है ये आफत बनकर आई है। हालांकि जो कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहना है कि अगले 2 दिन तक और ऐसा मौसम बना रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम साफ होने की संभावनाएं कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से जताई जा रही है। जी दीपशिका, बिल्कुल। देखिए गेहूं की खरीद भी तो शुरू होने वाली है कुलदीप, और ऐसे में अभी भी मौसम खराब बना हुआ है तो उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मौसम जो है ज़्यादातर ज़िलों में अभी भी ख़राब बना हुआ है और हिसार ज़िले की बात की जाए तो हिसार में भी सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जो है प्रदेश के कई ज़िले हैं उनमें इस तरह की वार्निंग जारी की गई थी। सिरसा की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, कैथल की बात की जाए तो लगातार कल भी जो है बारिश हुई थी और आज सुबह भी जो है मौसम खराब देखने को मिल रहा है। हिसार में आज संभावना जता रही है 80% चांस है वो जो कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से बताई गई है, जो प्रायिकता है 80% चांस है बारिश होने के। तो और ये कहा भी जा रहा है कि प्रदेश के जो 2 से 3 जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अंदेशा जताया गया। हालांकि जो बाकी प्रदेश के जिले हैं उनमें कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की जो है संभावना कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई है। जी दीपशिखा, बिल्कुल। देखिए एक और बात है कि देखिए मार्च में जिस तरीके से कुलदीप ये मौसम खराब बना हुआ है इससे कहीं ना कहीं बिजली की जो मांग है मार्च के महीने में हरियाणा में जो पहले 15% हुआ करते थे वो 12% तक रह गई है, यानी कि ये मांग जरूर घटी है। बिल्कुल दीपशिका, जिस तरीके से मौसम है क्योंकि इन दिनों जो है सरसों की फसल की कटाई के बाद कहीं ना कहीं किसान अगली बुआई के लिए जो है पानी देते हैं ज़मीन में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है बिजली की डिमांड बेहद ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जब मार्च के महीने में जब गर्मी की शुरुआत होती है तो तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लोग शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से एयर कंडीशनर है या फिर अन्य जो गर्मी से बचने के साधन है, क्योंकि दिन के समय जो है तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जिस तरीके से मार्च के महीने में अचानक जो है बिजली की डिमांड बढ़ने लगती है उसकी वजह से भी बिजली विभाग
विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां पूर्ण की गई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली की खपत घटती जा रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी बिजली का उपयोग अभी नहीं हो रहा है सिंचाई के लिए। लेकिन महीने में जहाँ पर गर्मी हो जाती थी वो गर्मी फिलहाल नहीं देखी गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस समय राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए मौसम खराब बना हुआ है, किसानों की चिंता एक तरफ, जो बिजली की मांग इस समय घटी है वो भी एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं जो जलाशय जरूरत से ज्यादा लबालब हो रहे हैं उनकी चिंता भी इस समय कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं आया है। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो ये बेमौसमी बरसात है उससे जो है किसानों के लिए जो है परेशानी का सबब बन रही है। किसानों के जो चेहरे पर जो है परेशानी के बादल देखे जा सकते हैं, और ये जो है आफत की जो है बरसात कही जा सकती है। जिस तरह से जो है पहले भी मौसम खराब हुआ था और कल भी जो है रात को आंधी तूफान आया, उसके बाद से जो है लगातार बरसात चल रही है, तो उस बरसात से जो जो गेहूं की फसल है जो बिल्कुल पक कर तैयार है और 1 अप्रैल को जो है मंडियों में आनी थी, तो वो फसल जो है अब कहीं ना कहीं खराब होगी। और उस फसल को जो है मंडियों में लाना होगा और उसको जो है सुखाकर लाना होगा, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक किसानों के लिए बड़ी परेशानी, बड़ी चुनौती जो है साबित होगा। विशेषज्ञों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस बेमौसमी बरसात से जो किसानों की परेशानी है वो बढ़ सकती है, और जो गेहूं की फसल है, जो अन्य फसलें हैं, वो खराब हो सकती हैं। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें इस समय मौसम लगातार खराब बना हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ चुकी है, प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ चुकी है।